दोस्तों देखिए एक इमेज है मेरे पास ये, और इस पे हमने फोटोशॉप 7.0 में बहुत ही इजीली तरीके से अंडर वाटर इफेक्ट बनाया है। देखिए ये हमने इसमें इफेक्ट डाला है पानी वाला, पानी के अंदर लेडीज़ को दिखाया हमने। ये इसकी ओरिजिनल इमेज है और ये एडिटिंग करने के बाद की इमेज है। तो दोस्तों आप भी बहुत आसानी से इस तरह के इफेक्ट फोटोशॉप 7.0 में तैयार कर सकते हैं। कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में यही दिखाने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें अपने फोटोशॉप में कोई भी इमेज, इस तरह की कोई भी इमेज ले सकते हो आप, और एक इमेज लेंगे वाटर वाली। आप देख सकते हैं मेरे पास दो इमेज है और हमें बनाना है अंडर वाटर इफेक्ट। उसके लिए हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप विंडो में आएंगे और यहाँ पे हमें लेयर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे ये लेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे ये ओपन हो चुका है दोस्तों। और अब हमें करना क्या है, देखिए मेरे पास ये वाटर वाली इमेज है, आप कोई भी इमेज ले सकते हो। हमें माउस से पकड़ के इस इमेज पे लेके आना है और अब हमें करना क्या है, देखिए फोटो को बढ़ा करके कंट्रोल टी करेंगे और कीबोर्ड से शिफ्ट को दबा लेंगे और माउस से एक कोना पकड़ के इस तरह से इमेज के बराबर हमें इस तरह से कर लेना है। देखिए इस प्रकार से करने के बाद हमें और कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। और अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लेयर पैनल पे आके हमें यहाँ से माउस से पकड़ के और इस तरह से यहाँ पे लेके आएंगे, इसकी एक कॉपी और हो जाएगी। अभी हमारी दो कॉपी हो चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारी ओरिजिनल इमेज है और ये दो कॉपी हमने तैयार कर ली इसकी। अब हमें करना क्या है, नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करके और नॉर्मल पे आके यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है। ये हमने कलर पे क्लिक कर लिया है। अब ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल पे आके अब हमें यहाँ से हमें इसका मोड चेंज करना है। यहाँ पे हमें स्क्रीन पे क्लिक करना है, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारी जो इमेज थी ओरिजिनल वो इस तरह से अंडर वाटर में दिखाई देगी, पानी के अंदर इस तरह से दिखाई देगी। और यहाँ ऊपर से ओपेसिटी पे क्लिक करके ओपेसिटी कम कर लेनी है, इस प्रकार से कम कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं हमारा अंडर वाटर इफेक्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये इसकी पहले की इमेज है, देखिए मैं इसकी पहले वाली इमेज दिखाता हूँ। ये इसकी पहले वाली इमेज है, देखिए इसकी पहले वाली इमेज ये है ओरिजिनल, और हमने जो इफेक्ट लगाया है वो ये इमेज है। तो इस तरह से हमें फोटोशॉप 7.0 में बहुत ही इजीली तरीके से अंडर वाटर इफेक्ट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।